हाय एवरीवन, फिर से नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक दर्शनीय तीर्थ स्थल के बारे में ब्लॉग लेकर आया हूँ, जो कि एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि दक्षिण भारतीय कल्चर पर आधारित है। जिस स्थल का हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है नौलखा मंदिर, जो कि बिहार राज्य के बक्सर शहर में स्थित है। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है, भगवान विष्णु का वह मंदिर है जिसे दिव्य देश कहा जाता है। इस मंदिर में रुद्राक्ष के वृक्ष भी हैं और यहाँ पर एक शीश महल भी बनाया गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एमके मनोज ब्लॉग्स और मैं हूँ मनोज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हमारे साथ घूमिए नौलखा मंदिर। मंदिर के इस शीश महल में, जिसे राजस्थान के कलाकारों ने तैयार किया है, इसका आकर्षण बहुत ही देखने लायक है, जिसमें भगवान राम एवं कृष्ण के जीवन काल की झलक यहाँ मौजूद है। धनुष यज्ञ, राम विवाह, वन गमन, राज्याभिषेक आदि को दर्शाया गया है। तो बच्चों को यह शीश महल बहुत ही भाता है, और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं। मंदिर की सबसे प्रमुख जानकारियों में यह है कि यहाँ भगवान विष्णु के चार विग्रह हैं, जिसके स्थान मूर्ति, भोग मूर्ति, भ्रमण मूर्ति और शयन मूर्ति हैं। यहाँ दिन में भगवान दो बार मंदिर से बाहर निकलते हैं और पालकी में मंदिर का भ्रमण करते हैं। भगवान को यहाँ साउथ कल्चर पर पोंगल का भोग लगाया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने के आवरण चढ़े हुए कलश स्थित है, जो कि बहुत ही देखने में दर्शनीय लगता है। और इस मंदिर में आप देख सकते हैं, मंदिर के पिछले हिस्से में ये ताड़का का प्रतिमा बनाया हुआ है, जिसको भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे बक्सर में आए थे, तो महर्षि विश्वामित्र के कहने पे यहाँ पे ही ताड़का का वध हुआ था। तो उसकी यादें को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर कितना अच्छा लगता है ये सीन देखिए।
और मंदिर के सबसे पिछले हिस्से में एक ताड़का का बहुत ही विशालकाय मूर्ति बनाया गया था, जो कि अब शायद खंडहर में तब्दील हो गया है और वहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करते रहिए, शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।